तो वहां से खोया के जलेबी ला, तो इनको खा के देखते हैं जरा कैसे देखे। और ये रचित, हम लोग ना कहीं जा रहे हैं, थोड़ा सा काम है वहीं पे जा रहे हैं। ये देखो है रचित के हेलो। पापा। हाँ सब लोग जा रहे हैं, थोड़ा काम है, अभी 1 घंटे में आ जाएंगे। तो हमने सोचा आप लोगों को भी साथ लेते चले, जहाँ जहाँ चल रहे हैं आप लोग भी बताइए चलिए। ही, इधर उधर थोड़ा काम से जा रहे हैं, अभी वापस हाँ चले थोड़ा आएंगे। काम है, तो वही सुबह सोच सुबह हम लोग तैयार रहे हो, तो हमने सोचा चलो थोड़ा शूट वीडियो कर बना, लेते शूट कर हैं। लिया जाए। और इधर मेरी चाय, सब लोग हम भी चाय चाय पी, पीवा भैया, हम भी चाय पी चुके बच्चे लोग हैं, पी सब चुके लोग हैं। पी चुके हैं, अभी हम नहीं पिए हैं। चलो चलते हैं, फिर मिलते हैं रास्ते में। हम इस समय कुंदनगंज में है। ये कुंदनगंज का स्टेशन, इधर ये कुंदनगंज का स्टेशन है, रेलवे स्टेशन है। और ये रचित की मम्मी यहाँ खड़ी हैं। ये देखो, ये रचित की मम्मी है। यहाँ कुंदनगंज में जो है खोवा की जलेबी मिलती है, तो अभी यहाँ पर खोवा की जलेबी आधा की, तो यहाँ पर जो है खोया की जलेबी मशहूर है। जैसे अपने वहाँ उधर जो है चीनी की और गुड़ की जलेबी होती है, इस तरह से यहाँ पर जो है खोया की जलेबी। तो अभी रचित की मम्मी है और रचित हैं, तो ये लोग ले रहे हैं। लेने के बाद खोया की जलेबी लेंगे, फिर चलते हैं अपने। अभी हम लोग कुंडनगंज, इधर पकड़ो रचित, ये खोया की जलेबी। रचित दिखाओ, ये खोया की जलेबी। यहाँ खोया की जलेबी यहाँ मशहूर है ना कुंदनगंज। तो काफ़ी दिन बाद हम लोग आए, लगभग 20 साल बाद आए कुंदनगंज। 20 साल पहले हम लोग यहाँ आए थे, तो आज 20 साल बाद आए। तो यहाँ जो है खोया की जलेबी, खोया की जलेबी मशहूर है। तो ये देखो खोया की जलेबी यहाँ पूरा काउंटर लगा है, तो यहाँ ले रहे हैं, फिर खा के आप लोगों को दिखाएंगे। तो हमने जो बताया था आप लोगों को, कुंदनगंज में बछरावा से, बछरावा गए थे, बछरावा से कुंदनगंज, कुंदनगंज से हरचनपुर गए थे। तो जब कुंदनगंज में थे, तो हमने वहाँ दिखाया था स्टेशन का रास्ता, और वहाँ हमने खोया की जलेबी लिया था। तो खोया की जलेबी, ये देखो खोया की जलेबी लेकर के हम घर आए हैं हम लोग। अब ये देखो, ये खोया की जलेबी है, ये ये कुंदनगंज से सिर्फ लेकर आए कुंदनगंज में हैं। मिलती है। तो वहाँ से खोया की जलेबी ला, तो इनको खा के देखते हैं जरा कैसे देखे। हाँ बहुत अच्छी खोया की जलेबी, बहुत अच्छी। और गुड़ की और चीनी की जलेबियाँ तो लगभग सब जगह मिलती हैं, सब जगह मिला करती हैं, लेकिन खोया की जलेबी हमने कहा चलो ले जाए, अच्छी है फिलहाल। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आप सबको ना हमारे वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। और ना आज दिखाने जा रहे हैं, जब हम बछरावा गए थे ना, तो वहां से कुछ सामान लेकर आए थे। सामान ही मतलब कपड़ा है, आप लोगों को भी दिखाते हैं। हेलो। और ये रहे वहां कपड़े। जब बछरावा वहां से वापस आ रहे थे हम लोग, तो वहां पर हाँ जो है बछरावा में ये शॉपिंग थे। की, वहां की बाजार थी बछरावा की ना, लेकिन वहां मार्केट में बहुत भीड़ थी, तो वहां सूट भी ढंग से नहीं हो पाया। तो सोचा गया कि चलो यहीं से दिखा दें। तो वहां से लाए हैं, देखो रचित के लिए गरम बनियाइन है ये देखो। हाँ ये गरम बनियाइन है रचित की, फुल है। ठंडी के सारे कपड़े ना ठंडी के लिए ही आए हैं, सबके लिए हैं, पर डेली पहनने के लिए हैं, घर के लिए हैं। और उसके बाद लाए ये पैजामी, ये रचित की पैजामी दो है। लाए थे, एक हम पहने हाँ दो हैं, हैं, एक रचित ने देखो पहन रखा है देखो। और ये ये ठंडी की देखिए। है ना, तो अच्छी है, मतलब ठंडी के लिए गर्म बनिया का है पजामी ये देखो। इसमें ना अंदर ये वाला कपड़ा लगा हुआ, जो गर्म नहीं रहता है वो वाला कपड़ा लगा हुआ है देखो, ये वाला ठीक है ठंडी के लिए, ठीक है घर के पहनने के लिए है डेली के लिए। और ये मोजे भी रचित के हैं, ये वहीं पे लिए हैं ये देखो। ये भी ना गरम वाले ही हैं, मोटे हैं एकदम, अच्छे हैं। ये बछरावा से ही सब सामान लिया गया है। बछराव में बाजार के दिन जो है हाँ बढ़िया सेल लगती है, तो वहीं से लाए हैं वहीं लोग। से हम लोग लाए हैं कपड़े। उसके बाद लाए हैं देखो
लोअर, ये मेरी लोअर है, मैं अपने लिए लेकर आई, दो हैं इस तरह के। ये देखो ये भी ना गरम वाले हैं, इसके अंदर भी देखो गरम वाला कपड़ा लगा है। ये देखो ये भी ना गरम वाले हैं, ये देखो एक ये है एक ये वाले हैं, दो लेकर आए हैं उल्टा नहीं बैठ के ना, कम बैठे हैं ना तो कम दिखाई पड़ता है, खड़े होके दिखा हम लोग वहां गए थे तो रास्ते में खरीदारी किया। अब वो वाला वीडियो ये दो पार्ट में वीडियो बन गया, वो हाँ। वाला ज्यादा लॉन्ग हो गया, वो ज्यादा बड़ा हो गया तो उसमें आ नहीं रहा था वीडियो, तो सोचा क्या चलो दूसरे पार्ट में हाँ जो ये वीडियो खरीदारी किया दूसरा गया वही मतलब उसमें दिखा दे रहे, हाँ है उसी तो दिन का, पर ही दूसरे दिन बन रहा है ये ये वाला दूसरे भी। भाग में बन रहा है। जब हम लोग भंवरेश्वर मंदिर घूमने गए थे तो वही गए दूसरा भाग है, तो आप लोग दूसरा भाग भी पूरा देखिए। और दिखाओ और ये जैकेट, ये रचित की ये जैकेट हाँ है, ये भी रचित की जैकेट है। ये सारे कपड़े ना ठंडी वाले, ये ठंडी में ना बहुत गर्म रहते हैं, ये ठंडी वाले कपड़े हैं देखो। सारे कपड़े ठंडी के ही है। हाँ ये रचित की जैकेट है, ये देखो इस तरह की है। घर में पहनने के लिए बढ़िया है, अरे घर में भी पहने कहीं भी पहन के जा सकते हैं, पर ठीक है। ठंडी वाले कपड़े हैं, अच्छे हाँ हैं अच्छे हैं कुल मिला कपड़े। के। और उसके बाद ये है रचित की पापा की अब गए थे तो हमने जैकेट सोचा एक जैकेट अपने लिए भी ले लें, तो जैकेट और बाकी ब्लेजर जैकेट है हमारे पास है सब, लेकिन अब सब ले रहे थे लोग ये लोग, तो हमने सोचा चलो एक ललचा ये गए रजत की मम्मी को पसंद नहीं बोली ले लो, तो हमने कहा चलो एक तुम्हारी पसंद हम ले ले रहे हैं भाई। ये देखो ये जैकेट है, ये देखो ब्लैक कलर की, ब्लैक इसमें कलर की भी है, अच्छी हाँ जैकेट इसमें है, भी कपड़ा ना अंदर गरम वाला देखो लगा है, मतलब अच्छी ये जैकेट है। वाला कपड़ा ना काफी गरम रहता है देखो इस तरह से। ये वीडियो ना रात को शूट हो रहा है ना इसलिए। ज्यादातर शाम को ही टाइम मिलता है। ये जैकेट है यानी काफी खरीदारी वहां हो गई। और एक ये जैकेट है, ये भी लेकर आए हैं ये ना अपने लिए लेकर आए। ये देखो इसमें ना चैन नहीं है, इसको ना ऐसे ही डालना पड़ेगा पहनने के लिए, ठीक है देखो पहनते हैं इसमें नहीं भी तो। टोपी लगी, टोपी हाँ दिखाओ, ये टोपी वाली देखो टोपी जैकेट है, ठंडे भी के लिए लगी, अच्छी ये है। ना ठंडी में शाम का जैसे मतलब शाम के लिए ठीक है। हाँ शाम के लिए डालने के लिए ठीक है। इसमें भी ना कपड़ा वही मतलब इसमें ना कपड़ा है गरम वाला पर और इस तरह से लगा है नायलॉन टाइप में बनी है ये, हाँ। ठीक है कपड़े ठीक है कपड़ा तो, ठीक इतने है। सारे कपड़े हर रहते हैं ये देखो, इतने सारे कपड़े, इतने कपड़ों की खरीदारी हो क्या, ये देखो सारे कपड़े, अब इनको तहा तहा के रखा जाएगा, तहा तहा के रखे। और रचित है कि पहने हैं, देखो ये वाली रचित की है, हाँ इसको ये तो रचित पहन एक पहन चुके हैं, रखी है, एक पहने हैं रचित, जैसे लेके आए ना वैसे पहन ली रचित एक तुरंत तो, रचित तुरंत सबसे पहले तुरंत रचित पहन पहने ली। हैं। और आप लोग हमारे वीडियो देखा करिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर हाँ करिए। अगर आप हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को कृपया लाइक जरूर करिए और सब्सक्राइब जरूर हाँ करिए। सब्सक्राइब भी कर आप लोग लीजिए। सब्सक्राइब करते रहेंगे तो हमारा लोगों का हौसला बढ़ता रहता है, हम लोग इसी तरह के फैमिली वीडियो बनाया करते हैं। तो अगर आपका नाम ए से शुरू होता जरूर कमेंट करिएगा अपना नाम। कहने से शुरू होता ए से। ना, ए से। चलो ठीक है फिर, चलो ठीक है, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में। अब ओके। है ना मुझे कपड़े भी धुलना है, कपड़े मशीन में लगा दिए पर धुल रहे हैं, लाइट चली गई है, कपड़े भी धुलना है, खाना भी बनाना है अभी हमको। फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।